सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुटी हैं और प्रत्याशी भी घर घर जाकर डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं, इन्हें जिम्मेदारी भी मिली है जेवर विधानसभा की, अल्पसंख्यक सेल से जुड़े हुए हैं और प्रदेश के पदाधिकारी हैं, असरुद्दीन खान जी। असरुद्दीन जी, क्या तैयारियां हैं, क्या स्थिति है पार्टी की और उत्तर प्रदेश के चुनावों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी फुल बहुमत के साथ आ रही है और मैं आपको बता दूं, मुझे प्रदेश सचिव बना के भेजा है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, और जेवर विधानसभा के अंदर आज ही मुझे जिम्मेदारी मिली है और जेवर विधानसभा के अंदर फुल पूरी जोर शोर के साथ मैं जेवर विधानसभा में काम करूंगा। और समाजवादी पार्टी जेवर विधानसभा, दादरी विधानसभा और नोएडा विधानसभा तीनों सीटों को फुल बहुमत के साथ जीत के आ रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर फुल बहुमत की सरकार बनने जा रही है और ये डबल इंजन की सरकार गिरने वाली है, आप सभी जान रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है बहुत ज़्यादा, तो आप किस तरीके से इन भाजपा वालों से पार लगाएंगे? देखिए, हम जो पार लगाएंगे, सोशल एक्टिव या मीडिया जो भी है वो इनके साथ हो या कैसे हो हम नहीं जानते, मगर हम इतना जरूर जानते हैं, हम आएंगे अपने विकास के मुद्दे पर। जो इन्होंने झूठ बोल करके, जुमला बोल करके पब्लिक को ठगा है, उन मुद्दों को हम पब्लिक के बीच में जाएंगे और मुद्दों के बाद ऊपर हम वोट मांगेंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जिस तरीके से झूठ बोल के पब्लिक को ठगा है ना, आम पब्लिक को, युवाओं को, किसानों को, सबको ठगा है, और जितने भी छात्र हैं सबकी पढ़ाई कितनी बेकार होगी आप सभी जानते हैं, युवाओं का भविष्य आज की डेट में बिल्कुल जर्जर हो चुका है, कोई स्थिति नहीं बची कुछ भी। अच्छा, आप खुद दादरी विधानसभा के वोटर हैं जी, दादरी विधानसभा के बारे में क्या कहेंगे? दादरी विधानसभा के अंदर देखो, सबसे ज्यादा जो विरोध हुआ है सम्राट मीर भोज के ऊपर, ये अगर गुजर अभी भी नहीं जागते हैं तो देखिए, ऐसे विरोध डेली होते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने जो जुर्म करा है वो हमेशा इस तरीके से ही करती रहेगी सबके ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के पास हो जो पब्लिक के बीच में जाकर के दिखा सके और पब्लिक के बीच में जाकर के वोट मांग सके। जहां भी जा रहे हैं ये वोट मांगने के लिए, या तो इनकी गाड़ियां तोड़ दी जा रही हैं, या इनके ऊपर हमले कर दिए जा रहे हैं, या इनके मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अभी दुजाना में देख लो, कल मुर्दाबाद के नारे लगे इनके तेजपाल नागर जी के। पूरी तरह आश्वस्त है कि हम समाजवादी पार्टी सीट जीतेगी, 100% जीतेगी, 100% 100% 100%।